दो लोग थे जो कि बिल्कुल एक जैसे हालात में पैदा हुए, दोनों की पढ़ाई एक जैसी हुई और दोनों का बचपन बिल्कुल एक जैसा ही बीता था। दोनों ने सपने भी देखे और दोनों ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करी और दोनों ने अपने सपने पूरे भी करे, लेकिन दोनों के सपनों में एक छोटा सा अंतर था और उस एक अंतर ने एक इंसान को सफलतम लोगों में से एक बना दिया, महान बना दिया और दूसरे को सिर्फ एवरेज इंसान बना करके छोड़ दिया। एक ने सपने देखे थे अच्छी नौकरी के, छोटे से घर के, सुंदर बीवी के, बच्चों की अच्छी पढ़ाई के और बाद में एक अच्छे रिटायरमेंट के, जबकि दूसरे इंसान ने सपने देखे थे बड़े बिजनेस के। उसने सपने देखे थे आलिशान घर के, सुंदर बीवी के, बच्चों की बेस्ट पढ़ाई के, खूब पैसे कमाने के, अपने पैसे से दुनिया की मदद करने के और एक ऐसी जिंदगी जीने के जो सिर्फ कुछ लोगों को ही नसीब होती है। जैसा कि मैंने कहा था कि दोनों ही अपने अपने सपनों को पूरा करने में कामयाब हो गए थे और दोनों ने वही हासिल करा था जो उन्होंने चाहा था, लेकिन एक ने सपने देखे थे एक मीडियोकर लाइफ जीने के और उसको वही मिला, जबकि दूसरे ने सपने देखे थे महानता हासिल करने के, बहुत कुछ पाने के और उसको वो सब मिला जो उसने चाहा था। दोस्तों, अधिकतर लोग सपने तो देखते हैं एक मीडियोकर या ठीक ठाक जिंदगी के। लोग मेहनत भी उसी हिसाब से करते हैं पर शिकायत करते हैं कि हमें जिंदगी ने कुछ दिया ही नहीं, और जिंदगी आपसे कहती है कि भाई मेरे आपने जो मांगा था आपको वही तो मिला है, आपने ज्यादा की मांगी नहीं करी, आपने ज्यादा की भूखी नहीं करी तो आपको ज्यादा मिलता कैसे। दोस्तों, अगर आप बड़े सपने देखेंगे तभी आप उन सपनों को पूरा करने की कोशिश करेंगे, तभी आप ज्यादा हासिल कर पाएंगे और तभी आप कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो अगर आप सच में बड़ा करना चाहते हैं, महानता हासिल करना चाहते हैं तो बड़े सपने देखिए, ज्यादा की चाहत रखिए, अपनी भूख को बढ़ाइए और सपनों को हकीकत करने के लिए मेहनत करिए, महानता खुद आपके कदम चूमेगी और यही आज का विजडम है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप किस तरह के सपने देखते हैं और इस वीडियो को सभी के साथ शेयर भी करिए ये जानने के लिए कि वो किस तरह के सपने रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।